ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त विवाह के बंधन में बंध गए हैं। बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाने वाले पहलवान योगेश्वर ने दिल्ली में शीतल शर्मा के साथ साथ फेरे लिए। आपको बता दें कि शीतल शर्मा कांग्रेसी नेता जय भगवान शर्मा की बेटी हैं और बीए अंतिम वर्ष की स्टूडेंट हैं। योगेश्वर दत्त की शादी कई मायनों में काफी खास मानी जा रही है। दरअसल योगेश्वर की ये शादी उन लोगों के लिए मिसाल है जो लोग आज के दौर में भी दहेज लेते हैं। योगेश्वर देश के जाने माने पहलवानों में से एक हैं और इस शादी में उन्होंने शीतल के परिवार से शगुन के नाम पर सिर्फ एक रुपए लेकर एक मिसाल कायम की है। योगेश्वर की माँ भी अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व महसूस करती हैं। वहीं योगेश्वर का कहना है कि उन्हें शीतल से दहेज नहीं बल्कि परिवार के लिए मान सम्मान चाहिए। 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड हासिल करने वाले पहलवान योगेश्वर के शादी समारोह में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। शादी समारोह में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शामिल होकर तोहफे के तौर पर योगेश्वर के गांव को विकास के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। तो योगेश्वर दत्त ने दहेज में एक रुपए लेकर मिसाल पेश की। विवाह समारोह में कई राजनीतिक हस्तियों के साथ ही नामचीन खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। वहीं योगेश्वर दत्त ने कहा कि शादी के बाद भी वह खेलना जारी रखेंगे। उनका लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम्स है। देखते रहिए डीबी लाइव।